औरतों को वो भी दिखाता है उनका पितृसत्ता सोच कि जब तक मैं एक मेल होते हुए एक मर्द होते हुए तुमको हक नहीं दूंगा तब तक तुम्हारा कोई हक नहीं है। एक औरत का हक उसका जिताने का हक होता है, भीख मांगने का नहीं होता। तो ये जो तरीका है ये बहुत गलत है और अगर कन्फ्यूज है वो खुद के कानून को ही नहीं समझ पा रही है। वो बोलती है कि 2014 के बाद कोई नहीं आएगा, फिर वो उनको ये नहीं पता कि उन्हीं के खुद के कानून में थर्ड शेड्यूल में नेचुरलाइजेशन का 5 साल का दे रखा है। मतलब अगर मैं ये CA लागू कर देती हूँ तो एक हिंदू जो पाकिस्तान से आता है शरणार्थी के तौर में नहीं नेचुरलाइज सिटीजन के तौर पे तो उसको 5 साल लगेंगे, पर अगर हिंदू श्रीलंका से आता है तो उसको अभी भी 11 साल लगेंगे नागरिकता। ये मतलब तुम तो छोड़ो हिंदू मुसलमान में भेदभाव, तुम तो हिंदू में भेदभाव किया है, कितने लोगों में भेदभाव किया है। तो ये जो CA है इनको खुद समझ नहीं आ रहा। हम तो कितनी बार से ना समझा के थक गए कोई धर्म जाति या कास्ट क्रीड जेंडर पे, तो अब भारत सरकार वही कर रही है तो उसी का स्टैंड लेके मेरे ख्याल UNHRC आया और बहुत अच्छा स्टेप है। और सुप्रीम कोर्ट को सुनना होगा, सुप्रीम कोर्ट अपना ब्लाइंड आई टर्न नहीं कर सकती इस बात। विदेश मंत्रालय मैम, लगातार दिल्ली हिंसा में कपिल मिश्रा का नाम आगे आ रहा था लेकिन अब उनको Y+ सिक्योरिटी मिल गया, आप कैसे देखते हैं? इंसाफ तो नहीं है इस दुनिया में, देश में नहीं है, नाइंसाफी का दौर है। तो जो नाइंसाफी हो सकती है वो सारी होएगी, अभी हम आप तक रही है वो सब नाइंसाफी करेंगे। लेकिन हमारी ड्यूटी ये है सिटीजन के तौर पे कि हम सच्चाई बोलते रहें ताकि वो झूठ बार बार बोल के उसको सच ना बना दे। हम सच को सामने रखते रहे और सच जरूर जीतेगा एक। मोदी जी का ट्वीट आया कि हम सोशल मीडिया छोड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? आंदोलन चल रहा देश भर में CA के खिलाफ। वो मेरे ख्याल वो वुमेन डे का कुछ कह रहे हैं कि लेडीज उनकी तरफ से बोलेगी उनके सोशल मीडिया पे, तो वो जो भीख की राइट दे रहे हैं औरतों को वो भी दिखाता है उनका पितृसत्ता सोच कि जब तक मैं एक मेल होते हुए एक मर्द होते हुए तुमको हक नहीं दूंगा तब तक तुम्हारा कोई हक नहीं है। एक औरत का हक उसका जिताने का हक होता है, भीख मांगने का नहीं होता। तो ये जो तरीका है ये बहुत गलत है और अगर उनको सच में सुनना है तो बहुत सारी औरतें जो बाहर बैठी हैं उनको सुनिए, वही काफ़ी है। CA के खिलाफ BJP का बिहार में दोहरा रवैया देखने को मिला, वहाँ पर उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया विधानसभा में और कहा है कि हम NPR लागू नहीं करेंगे। जो पुरानी शर्तें हैं 2010 में जो हुआ था NPR, अगर वही शर्त आती है तो हम NPR लागू करेंगे, जो नया वाला NPR है उसको लागू नहीं करेंगे। दोहरे रवैये को आप कैसे देखते हैं? नया वाला अगर लागू नहीं करेंगे तो वेलकम्ड है, बट मैं ये कहती हूँ कि पुराने वाला भी लागू जो हुआ था जिस तरह से कोशिश की थी तो बाद में पता चला था बहुत कंबरसम था, बहुत पैसा खर्च हो रहा था, सब कुछ खर्च हो रहा था। और इसलिए एक और चीज़ इसमें बाहर आती है, जो NPR की एक्सरसाइज होगी उसको आप सेंसस से नहीं जोड़ सकते। सेंसस एक्ट है मेरे ख्याल, उसका जो डायरेक्टर है और NPR का जो होएगा डायरेक्टर हेड होएंगे, वो दोनों अलग होने चाहिए, जो मेरे ख्याल अभी सेम बनाए गए हैं। तो आप उस सेंसस का डेटा NPR में यूज़ नहीं कर सकते और सेंसस में ये लिखा हुआ है कि अगर आप सेंसस में कोई भी डेटा देते हैं वो आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं बन सकता कोर्ट में। तो इसलिए NPR अलग करने से बहुत कंबरसम होता है, इसलिए 2010 वाला बंद किया गया था कि इसका कोई फायदा नहीं है। इस अभी भी आप पुराना वाला भी क्यों चाहते हो? मतलब ये फालतू का, जब हमारी इकोनॉमी गिर रही है तो ये सब भी जरूरत क्या है NPR की? लेकिन लोग समझ रहे हैं, एक तरफ तो BJP उसको लागू करने के लिए लगी हुई है, दूसरी तरफ बिहार में वो एक रेजुलेशन लाती है कि हम इसको पास नहीं करेंगे, तो ये समझ में नहीं आ रहा लोगों, क्या बिहार में चुनाव है उसके लिए गुमराह कर रहे हैं? नीतीश जी थोड़े कंफ्यूज लगते हैं, हमें नहीं पता है। बाकी सरकार तो वैसे ही कंफ्यूज है, वो खुद के कानून को ही नहीं समझ पा रही है। वो बोलती है कि 2014 के बाद कोई नहीं आएगा, फिर वो उनको ये नहीं पता कि उन्हीं के खुद के कानून में थर्ड शेड्यूल में नेचुरलाइजेशन का 5 साल का दे रखा है। मतलब अगर मैं ये CA लागू कर देती हूँ तो एक हिंदू जो पाकिस्तान से आता है शरणार्थी के तौर में नहीं नेचुरलाइज सिटीजन के तौर पे तो उसको 5 साल लगेंगे, पर अगर हिंदू श्रीलंका से आता है तो उसको अभी भी 11 साल लगेंगे नागरिकता। ये मतलब तुम तो छोड़ो हिंदू मुसलमान में भेदभाव, तुम तो हिंदू में भेदभाव किया है, कितने लोगों में भेदभाव किया है। तो ये जो CA है इनको खुद समझ नहीं आ रहा। हम तो कितनी बार से ना समझा के थक गए। सुप्रीम कोर्ट UNHRC में गया है, कैसे देखते हैं? UNHRC के जो कमिश्नर है वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाली है उन्होंने, इंटरवेंशन एप्लीकेशन, कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भारत सरकार हमेशा से जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो वो सबसे पहली होती थी आगे आके ही बोलने की कि भेदभाव नहीं करेंगे आप लोगों के किसी भी धर्म जाति या कास्ट क्रीड जेंडर पे। तो अब भारत सरकार वही कर रही है तो उसी का
स्टैंड लेके मेरे ख्याल UNHRC आया और बहुत अच्छा स्टेप है और सुप्रीम कोर्ट को सुनना होगा. सुप्रीम कोर्ट अपना ब्लाइंड आई टर्न नहीं कर सकती इस बात पर. विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हमारा आंतरिक मामला आप इसमें अच्छे मत करें. हैरानी की बात यह है कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें आता है सेक्युलरिज्म, उसी में आता है सोवरेनिटी जिसको बोल रहे हैं आप कि हम जो देश के लोग हैं वो अपना डिसीजन खुद ले, जो आपने बात बताई. तो मतलब वो एक बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट को, सेक्युलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को अटैक करने के लिए दूसरे बेसिक स्ट्रक्चर का सहारा लेते हैं. फिर बोलते हैं क्योंकि सोवरेनिटी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है इसलिए आप घुस नहीं सकते, लेकिन हम सोवरेनिटी का इस्तेमाल करके अपने ही बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ सकते हैं जो सेक्युलरिज्म है. तो ये थोड़ा सा हिपोक्रेसी समझ नहीं आता, दोखलापन मुझे समझ नहीं आता. बेसिक स्ट्रक्चर, अगर एक चेयर की चार टांगे हैं तो एक टांग टूटने दोगे आप तीनों की जरूरत की कि तीनों को यूज करके या चारों को बचाओगे. लेकिन श्वेता जी आपने देखे स्वाति के आंदोलन लगातार आपकी आ रही है, 80 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा. सरकार लोगों से प्यार नहीं करती, लोगों की सरकार होती तो वो जरूर लोगों की बात सुनती. आंदोलन अनंतकाल तक तो नहीं चलने वाला. देखिए हम तो ये सोच के बैठे हैं कि हमारा आंदोलन बहुत लंबा चलेगा. गांधी जी का भी सत्याग्रह बहुत लंबा चला था. उनका पहला सत्याग्रह ही नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ था साउथ अफ्रीका में. उनका साउथ अफ्रीका में 1906 में नागरिकता संशोधन कानून जो भेदभाव करता था रेस के तौर पे, तो उसके खिलाफ जो सत्याग्रह चला था वो गांधी जी का था. हम भी वही कर रहे हैं. अब देखिए कौन जीत. लंबी होगी हमारी ये आंदोलन, क्योंकि जो सरकार है वो बहुत हीट है और वो लोगों की सरकार नहीं है. सरकार लोगों की होती है, अगर लोगों की नहीं होती तो वो तानाशाह बनती है. तो हम कोशिश करेंगे कि संसद से इनको गिराया जाए अगर ऐसी ही पर लेंगी, क्योंकि जब जब किसी सरकार में एरोगेंस आता है उसको गिराना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश के लिए हानिकारक बन सकती है और बन गई है. आखिरी सवाल, कुछ लोग अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं और संसद में भी हंगामा, इस्तीफा दो कैसे देखते हैं? अमित शाह तो लायबल है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा. वो लायक ही नहीं है होम मिनिस्टर की सीट के लिए और नरेंद्र मोदी भी लायक नहीं है. आपकी आवाज़ नहीं खुलती जब इतने लोग मारे जाते हैं, हिंदू हो या मुसलमान, लोगों की जाने गई है. मीडिया पे इतना गुणगान करता है उनका कि वो चाणक्य है, चाणक्य नीति. मेरे को पैसे नहीं दिए जाते. आपको नहीं लगता चाणक्य ने? मेरे को पैसे नहीं दिए जाते अमित शाह की तरफ से, मीडिया को दिए जाते हैं. उसमें यही कहूँगी थैंक यू. यात्रा और दिल्ली के जंतर मंतर पे आज जो है समापन का दौर, इस बीच में क्या मैसेज क्या लोगों को मिला? देखिए इस जन सत्याग्रह पद यात्रा के बीच हम लोग यही मैसेज कन्वे कर रहे थे लोगों को कि आज जिस तरीके से NRC और CAA को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा जा रहा है, असल में रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, तो इस मुद्दे को लेकर के हम लोग लोगों के बीच जा रहे थे कि हम लोगों को CAA NRC नहीं चाहिए, हम लोगों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और रोजमर्रा की जो हम लोगों की जिंदगी है, हम लोगों को उन सवालों पर हम लोग लोगों को बात कर रहे थे कि हम लोगों को कोई नागरिकता संशोधन कानून नहीं चाहिए. आज हम लोगों को चाहिए कि ऐसा कानून जो असल में ये बात करे कि हम लोगों को रोजगार पक्के रोजगार की गारंटी करे, हम लोगों के लिए समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा हो. हाँ, इस चीज़ के लेके हम यही मैसेज कन्वे कर रहे थे. और आफ्टर 24 फैब के बाद जो राइट्स हुए दिल्ली में, जो दंगे हुए, उसके बाद हम लोग यही बात कर रहे थे कि अमन चैन भाईचारा हम लोग कायम करें वहाँ. एक्चुअली हरियाणा में जो है महिलाओं को दबाया जाता है उसके, लेकिन आप इतना बजट के हिस्सा ले रही पूरी दिल्ली में, समझ में नहीं आ. नहीं, ये बात सिर्फ हरियाणा की नहीं है ना, ये तो हम लोग कहीं भी देख लें. कहीं भी आपको ये महिलाओं को ये थोड़ी बोला जाएगा, अधिकार परोस के कोई देगा नहीं कि आप जाइए और आप एक्टिविज्म कीजिए, आपको कोई बोलेगा नहीं. तो ये सिर्फ बात हरियाणा की नहीं है, ये हर स्टेट की, पूरे देश की बात है. मतलब दिल्ली से मैसेज जा रहा है? हाँ, दिल्ली से मैसेज जा रहा है. तो जिस तरह से गाड़ी, कॉलेज और तमाम जगहों पर NPR लगातार बढ़ चढ़ के स्कूल में हिस्सा ले रही है और देश के PMO सुप्रीमो ये कहेंगे पीछे नहीं हटेंगे, महिलाओं का क्या स्टैंड बन रहा है? देखिए वो तो महिलाओं का स्टैंड आज हम लोग देख ही रहे हैं कि तमाम शाहीन बाग से लेकर के पूरे दिल्ली भर में जो प्रोटेस्ट साइट्स हैं उन पे आप जा कर के देखिए. हम लोग गए हैं 16 दिन में, तो हम लोगों ने देखा है वहाँ पे किस तरीके का रुझान है, किस तरीके के लोग हैं वहाँ पे. उन्होंने साबित किया महिलाओं ने कि वो डटी हैं अभी भी, और आप जा कर के देखेंगे, आप कवर कीजिए उनको भी, एक बड़ी तादाद होती है चाहे वो किसी भी प्रोटेस्ट साइट्स पे हो, तो वो प्रूव कर रही है कि अपने आप को. नरेला एक अनऑथराइज्ड एरिया है, वहाँ जब लोगों से आपने बातचीत किया तो इस दौरान जो है मुख्य समस्या क्या थी? देखिए दिल्ली क्या सोच रहे थे, क्या बोल रहे थे? दिल्ली में
बहुत सी कॉलोनियाँ ऐसी है जो अनऑथराइज्ड है, है ना। और यही इनका सवाल भी है कि अनऑथराइज्ड ऑथराइज्ड के बीच में सीधी लड़ाई है। हम लोग वहाँ पे गए, हम लोगों ने बात की, वहाँ पे मैक्सिमम मजदूर आबादी है जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करती है, और वहाँ पे लोगों ने हम लोगों की बात को सराहना किया कि आप लोग अच्छा कदम कर रहे हैं इस बीच में, और ये अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, अच्छा अच्छी शुरुआत है ये, और लोगों ने हाथों हाथ लिया, मतलब अच्छे अप्रिशिएट किया हम लोगों का। रिस्पॉन्स अच्छा है, बिल्कुल रिस्पॉन्स अच्छा है। हम लोग मुस्लिम इलाकों के साथ साथ हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम हर मजहब कौम के इलाकों में हम लोग गए, और लोगों ने हम लोगों को अप्रिशिएट किया, हम लोगों को प्रोत्साहन, हम लोगों का बड़ा प्रोत्साहित।